बहुत लोगों का कहना है कि जो तार होता है, वायर होता है, किसी ने कहा कि वो कट गया था, और किसी ने कहना है कि जो बाइंडिंग होता है रोटर, वो रोटर फंस जाने के कारण तार खिंचा हुआ और तार कट गया, जिससे 5 लोगों का, 1 लोग का कचूल मौत हुई और 5 का जो है बुरी तरह से जख्म है। और दूसरे कोई लोग बोलते हैं कि नहीं, कुछ लोग फंसे हुए हैं, कोई बोले 22 और 24, तो इसको हम लोग दिखा रहे हैं। यहाँ से हेलीकॉप्टर से भी लोग को भेजा गया, एक्सपर्ट को भेजा गया रूफ ठीक करने के लिए, वायर ठीक करने के लिए। यहाँ पर मैकेनिकल सेक्टर के कुछ लोगों को भेजा गया, बिहार से लोग को मंगवाया गया, और 2 मंत्री को तत्काल भेज दिया गया है कि उसको खड़ा रहकर उसको देखेगा। और 1 आदमी की तो मौत हुई है और 4 का बेहतर इलाज हो उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, और सरकार का सारी चीज़ों का संज्ञान में कल रात से ही सरकार लगी हुई है। और मैं समझता हूँ कि जो लोग का अभी तक ट्रेस नहीं मिलता है, ये हवाएं की तरह है कि कोई बोलता है 20 आदमी है, कोई बोलता है झूल रहा है, कोई बोलता है वोदार झूल रहा है, बहुत ऊंचा में है, तो उसको हम लोग दिखवा रहे हैं। और सरकार इसमें गंभीर है और बहुत जल्द जो है रिकवरी हम लोग कर लेंगे। रघुवर दास ने कहा है कि निकम्मी सरकार के चलते 24 आदमी ऊपर 48 घंटे से परे हुए। देखिए, अभी तक इस बात का कोई खुलासा नहीं हुआ है, हाँ कहने के लिए कुछ भी कह सकता है, मैं स्वागत भी करते हैं उनका, इस बात से हमको भी ताकत मिलता है कि जल्दी चलो 24 आदमी को कैसे करके रिकवरी करके लाएंगे। बोलने के लिए कोई उसमें ये आरोप ये भी है कि जो सेना को बुलाया गया, पहले ही बुला लिया जाता तो इतना 18 घंटा 20 घंटे टाइम नहीं लगता, पहले नहीं प्रयास किया गया, पहले कोशिश नहीं। ये घटना कल शाम की है और शाम के होने के बाद एक जगह, क्या नाम उसका बोलते हैं, देवघर में है, बहुत ऊंचा में, और कोई देखा ही नहीं, त्रिकुट, हाँ तो वहाँ पर कोई देखा नहीं। बाद में जब समाचार आया, समाचार आने के बाद तो वहाँ से हम लोग तो कर ही रहे, और हमने कहा कि सारी व्यवस्था हम लोग करा दिए, मंत्री तक हम लोग भेज दिए। अब इसमें कमी तो कहा नहीं जा सकता है, सरकार की ओर से प्रयास है, और 12-24 आदमी का जो है अभी एक कहते हैं हवा में देख रहे हैं, कोई बोले उधर देख रहे हैं, बस इसी तरह का नहीं जा रहा है, और 5 जो है जख्म हुआ था, 1 मर गया, ये जानकारी, और सरकार इस पर गंभीर है।